बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की कांग्रेस के घोषणा पत्र के वादे को लेकर पीएम मोदी लगातार हमलावर हैं। उन्होंने शुक्रवार को बलारी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में ढेर सारे झूठे वादे हैं। कांग्रेस का घोषणा पत्र मतलब तालाबंदी और दृष्टिकरण का बंडल है। अब तो कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है कि उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। कांग्रेस की हालत इतनी बुरी है उनके पैर कांप रहे हैं और इसलिए कांग्रेस को मेरे जय बजरंग बली बोलने पर भी आपत्ति होने लगी है। तुष्टिकरण के लिए कांग्रेस किस हद तक जा रही है ये देश और कर्नाटका के लोग देख रहे हैं। पीएम मोदी ने फिल्म द केरल स्टोरी का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि मैं ये देख रहा हूं कि अपनी वोट बैंक के खाते कांग्रेस ने आतंकवाद के सामने घुटने टेक दिए हैं। केरला स्टोरी की इन दिनों काफी चर्चा है। कहते हैं केरला स्टोरी सिर्फ एक राज्य में हुई आतंकवादियों की छद्म नीतियों की साजिशों पर आधारित है। देश का इतना खूबसूरत राज्य जहां के लोग इतने परिश्रमी और प्रतिभाशाली होते हैं उस केरला के में चल रही आतंकी साजिश का खुलासा ये केरला स्टोरी फिल्म में केरला फाइल्स फिल्म में उसे किया गया है। और देश का दुर्भाग्य देखिए कि कांग्रेस आज समाज को तहस नहस करने वाली इस आतंकी प्रवृत्ति के साथ खड़ी हुई नजर आ रही है। इतना ही नहीं ऐसी आतंकी प्रवृत्ति वालों से कांग्रेस पिछले दरवाजे से राजनीतिक सौदेबाजी तक कर रही है। कर्नाटका के लोगों को इसलिए कांग्रेस से बहुत ही सावधान रहने की जरूरत है। वहीं आपको बताते पीएम मोदी ने कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि हमने मां कावेरी के आशीर्वाद से ऑपरेशन कावेरी चलाया और अपने भारतीय भाई बहनों को वापस लाए। ऐसे मुश्किल समय में कांग्रेस ने देश का साथ नहीं दिया। कांग्रेस ने जानबूझकर सूडान में फंसे भारतीयों को वहां उपद्रवियों के सामने एक्सपोज कर दिया। क्या यही कांग्रेस की देश के नागरिकों के प्रति संवेदनाशीलता है?